Hey guys, so I am so happy and आज की इस वीडियो को देखने के बाद पक्का ही आप भी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होने वाले हो। सो वीडियो को एंड तक देखना एंड आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करके बेल का आइकन प्रेस कर लेना एंड ऑल का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना। तो यस, आपने बिल्कुल सही देखा है कि BTS को फिर से ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है एंड BTS एक ऐसे के पॉप आइडल है जिन्होंने इतिहास बना दिया इतने ज़्यादा नॉमिनेट होने का ग्रैमी में, जो कि आज तक कोई भी आर्टिस्ट नहीं बना पाया है। एंड इस बार आई होप एंड आई विश कि BTS ही जीते। सो जो सबसे पहला नॉमिनेशन किया गया है BTS का वो है बेस्ट पॉप ड्यूओ और बेस्ट ग्रुप परफॉर्मेंस। एंड ऑब्वियसली आई थिंक कि इस बार तो BTS को जीतना ही चाहिए, है ना। आपको पता है कि पास्ट 2 ईयर से BTS को नॉमिनेट किया जा रहा है लेकिन वो जीत नहीं पाए, एकदम क्लोज आके वो नहीं जीत पाए। एंड मैं आपको बता दूं कि माय यूनिवर्स भी नॉमिनेटेड किया गया है एंड बटर एंड डायनामाइट सॉन्ग। एंड ऑब्वियसली कोल्डप्ले को भी यहाँ पे बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि माय यूनिवर्स सॉन्ग को ऑब्वियसली नॉमिनेट किया गया है एंड ये सॉन्ग इतना ज़्यादा अच्छा है कि आपको क्या लगता है जीतेगा ना? मुझे तो लगता है कि जीतना चाहिए इस बार BTS को एंड जीते गए, क्योंकि BTS के जितने भी सॉन्ग्स हैं सभी अवार्ड डिजर्व करते हैं। बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही मीनिंगफुल है, लोगों की लाइफ में एक अच्छी मीनिंग, एक अच्छी एक अच्छा मैसेज देता है ये जो जितने भी सॉन्ग्स हैं। तो सभी सॉन्ग्स बहुत अच्छे हैं एंड सभी अवार्ड डिजर्व करते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस बात का अनाउंसमेंट किम नामजून ने पहले ही कर दिए थे अपने इंस्टा के माध्यम से। सो आप मुझे कमेंट में बताओ कि आप में से कितने लोगों ने किम नामजून के IG पोस्ट स्टोरी को देखे थे, आपको पहले ही पता चल गया था BTS ग्रैमी अवार्ड के बाद में। एंड यस, आपने अगर इंस्टा पर मुझे भी फॉलो नहीं किया ना तो यू कैन फॉलो मी एंड आस्क मी एनीथिंग। अगर आपको कुछ पूछना है या आपको कुछ बताना है, कोई न्यूज़ देनी है कि दी इस टॉपिक पर वीडियो बनाओ, तो आप मुझे बता सकते हो। एंड यस, मैं आपको बता दूं कि जो कोल्ड प्ले एंड जो BTS है वो साथ ही में नॉमिनेटेड हुए हैं माई यूनिवर्स सॉन्ग के लिए। एंड अगर ये सॉन्ग जीतता है तो कोल्ड प्ले एंड BTS दोनों को ही अवार्ड मिलेगा। एक बहुत ही अच्छी बात है, बिकॉज जो कोल्ड प्ले है उसका भी BTS के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया है, वो एक बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। ये एक बहुत ही मीनिंगफुल सॉन्ग है, लाइक सभी सॉन्ग्स मीनिंगफुल है लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही है। इसमें सब कुछ बताया गया है कि जो आर्मीज है ना वही BTS के यूनिवर्स है, चाहे वो किसी भी दुनिया के कोने में रहती है। एंड मैं आपको बता दूं कि मैंने BTS हिंदी वाले चैनल पे सॉन्ग को एक्सप्लेन भी किया है, बिकॉज आप में से काफ़ी क्रिटिकाइज है जिन्हें समझ नहीं आता है, तो दैट्स ओके, तो आप उस चैनल पर जाके देख सकते हैं। एंड आप मुझे कॉमेंट में बताओ कि आप कितने ज़्यादा हैप्पी हो BTS के नॉमिनेशन को लेके। एंड इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि BTS फिर से ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड हुए हैं। थैंक यू, बाय बाय।